पहली बार क्रिकेट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबर हिंदी में पाने के लिए डाउनलोड करें क्रिकेट हंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई मैच आज यानी कि 14 जनवरी 2020 को खेला जाएगा। पहला ओडीआई मैच होने वाला है, काफी ज्यादा रोमांचक है और काफी टक्कर का मुकाबला। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोनों ही टीमों के सटीक प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वो कौन से ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ी खेलेंगे पहले ओडीआई मैच में भारतीय टीम के खिलाफ। जबकि आपको बताने वाले इस मैच की मैच प्रीव्यू के बारे में कि यह मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा और आपको बताने वाले इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कि कहां और कब देखें। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर है, जहां पर सिर्फ 3 वनडे मैचों की सीरीज है और इन 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला ओडीआई मैच आज यानी कि 14 जनवरी 2020 से ट्यूसडे को खेला जाएगा, जो कि यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 1:30 से खेला जाएगा, यानी कि यह मैच 1:30 PM से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे डेविड वार्नर, जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज। नंबर 2 पर होंगे एरन फिंच, ऑस्ट्रेलिया टीम के जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज और कप्तान, जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज करने वाले हैं ओपनिंग की बल्लेबाजी। नंबर 3 पर होंगे मार्नस लबुसांगने, जो कि काफी ज्यादा यंग प्लेयर हैं और काफी ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें नंबर 4 की तो नंबर 4 पर होंगे स्टीवन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया टीम के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अगर बात की जाए नंबर 5 की तो नंबर 5 पर होंगे एलेक्स कैरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है। जबकि नंबर 6 पर होंगे स्टोन टर्नर, नंबर 7 पर होंगे स्टोन आगर, नंबर 8 पर पैट कमिंस जबरदस्त तेज गेंदबाज, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क बेहतरीन तेज गेंदबाज, उसके बाद नंबर 10 पर होंगे केन रिचर्डसन और उसके बाद नंबर 11 पर होंगे आदम जंपा। तो गाइस ये ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 पहले ओडीआई मैच के लिए भारत के खिलाफ। अब अगर हम बात करें यहां पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में तो एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, नंबर 2 पर होंगे शिखर धवन, जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज करने वाले हैं ओपनिंग की बल्लेबाजी पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नंबर 3 पर होंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर होंगे ऋषभ पंत युवा विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 6 पर केदार जाधव या फिर केएल राहुल, जो कि इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। अगर केदार जाधव को खिलाया जाएगा तो नंबर 6 की बल्लेबाजी करेंगे, जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं केदार जाधव। वहीं अगर केएल राहुल को खिलाया जाएगा तो केएल राहुल करेंगे टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी, यानी कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे और विराट कोहली नंबर 4 की बल्लेबाजी करेंगे, यानी कि इसी हिसाब से बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगी और बैट्समैनों की। तो ऐसे में केएल राहुल और केदार जाधव में से किसी एक को खिलाया जाएगा इस मैच में। अगर बात की जाए नंबर 7 की तो नंबर 7 पर होंगे रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर होंगे नवदीप सैनी या फिर शार्दुल ठाकुर, जो कि यहां पर भी इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। नंबर 9 पर होंगे मोहम्मद शमी, जबरदस्त तेज गेंदबाज। नंबर 10 पर होंगे कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर या फिर युजवेंद्र चहल, जो कि यहां पर भी इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग। तो गाइस ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जो कि ये दोनों ही टीमों की संभावित यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 और लगभग 100% यही प्लेइंग 11 होने वाली दोनों ही टीमों की, जहां पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई सारी दिक्कतें सामने निकलकर आएंगी विराट कोहली की टीम मैनेजमेंट के लिए कि किसे खिलाएं या फिर किसे ना खिलाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 साफ है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 100% कंफर्म है। आपके हिसाब से इन दोनों ही टीमों में कौन सी टीम जीतेगी पहला ओडीआई मैच, कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। और आपके हिसाब से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किस किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए और किस किस खिलाड़ी को नहीं।